ये बिजनेस क्लास की सीट्स है और हम जा रहे हैं एग्जीक्यूटिव क्लास में। लोग अब फैशन मूवर्स पे बैठ गए हैं। जैसे मैं आपको दिखा दिया है कि भाई यहाँ पर जो माहौल है बस का वो बहुत ही ज़बरदस्त है। एसी बिल्कुल चिल्ड है, एलसीडी स्क्रीन है आपके सामने, ठीक है, आर्मरेस्ट है, आप सीट को पीछे कर सकते हैं, लेग के लिए आपको रखना है, ऊपर करना है, आप उसके फैसिलिटी दी हुई है और चार्जिंग है, कप होल्डर्स हैं। तो इसका जो माहौल है ना फैशन मूवर्स का तो बेस्ट है, मेरा फर्स्ट एक्सपीरियंस है। हमारे भाई फुरकान भाई तो बहुत बार जा चुके हैं, उन्होंने रिकमेंड किया था, तो मेरा फर्स्ट एक्सपीरियंस है, मुझे बहुत अच्छा लगा। आगे चल के देखते हैं कि स्टॉप्स हम रुकेंगे तो वहाँ का एक्सपीरियंस क्या होगा, वह किस तरह से एक्सपीरियंस होगा। सुना कि खाना पीना भी होता है, बहुत अच्छा खाना होता है, खाना भी होता है और वो भी है, तो हम देखेंगे खाने में लोग क्या देते हैं, तो ये हम देखेंगे। चले अभी आगे चलते हैं, हमारी बस निकल रही है। हाँ, हम लोग अभी फैशन मूवर्स के स्टेशन में पहुंच गए हैं जो सुपर हाईवे में है। आप इसे देख सकते हैं कि यहाँ पे खाने पीने बहुत सारे स्टॉल्स वगैरह भी हैं चलते चलते, और ये फैशन मूवर्स की बस आप देखिए, ये स्टेशन है यहाँ, आप इससे आप देखिए स्टेशन है यहाँ पे, यहाँ पर बहुत सारी बसेस खड़ी हुई हैं और माशाल्लाह से जो इनका बिजनेस क्लास थी वहाँ पर हम दिखा चुके हैं, वहाँ पे दो सीट एक साथ थी, एक सीट अलग थी, और जो उनकी एग्जीक्यूटिव क्लास है जिसमें हम जा रहे हैं वो भी टिकट सीट से बहुत ही माशाल्लाह बहुत ही अच्छी थी। वहाँ पे आपको आपको सीटें बहुत कंफर्टेबल है, आपको आर्म रेस्ट मिलेगा, आपको सुपर रेस्ट मिलेगा, आपकी लुक पीछे कर सकते हैं, एलसीडी स्क्रीन है और बहुत सारी फैसिलिटीज हैं। हम अभी सुपर हाईवे में पहुँचे, अभी आगे का सफर स्टार्ट करते हैं। इंशाल्लाह 18 घंटे 30 मिनट का होगा। हुकूमत पाकिस्तान के कानून के मुताबिक बस बसेगा मशीन मना है, तबीयत खराब होने की सूरत में वोमिट बैग मुस्तलब किए जा सकते हैं। आपकी कीमती राय के लिए स्टेशन पर मौजूद है। हम उम्मीद करते हैं कि आपका ये सफर पुरसुकून और खुशगवार गुजरेगा। शुक्रिया। और ये फैशन मूवर्स ने हमें हेडफोन्स दिए हैं, हम हेडफोन में सुन भी सकते हैं। ये हमारा कैमरा है, ये हमारी स्क्रीन है, स्क्रीन में आप वीडियो कुछ देखना आप देख लें, हेडफोन लगा के सुन लें, ठीक है। तो बेस्ट है सर्विस, वैसे 3,700 की टिकट थी, एग्जीक्यूटिव क्लास थी, बिजनेस की 4,700 थी, हमने एग्जीक्यूटिव क्लास दी है, आपको हैंड फ्री वगैरह आपको हेडफोन्स मिले हैं और स्क्रीन वगैरह भी माशाल्लाह स्क्रीन भी है, तो आप देखते हैं और फैसिलिटी क्या क्या है। ओके भाई, हमारी स्क्रीन भी है, स्क्रीन आप उसको चला सकते हैं, आपको जो भी देखना है, म्यूज़िक सुनना है म्यूज़िक सुनना है आप कर सकते हैं, ठीक है। और ये चीज़ें अभी हमें फैशन मूवर्स की तरफ से ये बॉक्स मिला है, ना बॉक्स दिखाएंगे फुरकान भाई कि इसमें क्या है, आके देखते हैं, या आप देखिए देख सकते हैं अब इसके अंदर है क्या वो देखते हैं। फुरकान भाई खोलेगा उसको, ये बहुत ही माशाल्लाह सही तरीके से खोला है उन्होंने, और इसमें रिफ्रेशमेंट से एक केक है और चिप्स मिले हैं लेस, और बस ये दो चीज़ें हैं आपके 20 रुपये की चीज़ मिली है उसमें और एक सॉरी एक और भी चीज़ है, तो ये इस बॉक्स में था। थैंक यू वेरी मच। और भाई हमारी मूवी स्टार्ट हो चुकी है, आराम से और ये बस को झटका भी लगा, लेकिन जब आप कराची है, कराची से तो झटके लगते हैं कराची में, अब हम मूवी एंजॉय कर रहे हैं, हम अब अपना सफ़र काट रहे हैं और हमने मूवी लगाई है, नाम हमें पता नहीं है इंग्लिश हमें कौन सी मूवी है, लेकिन हम टाइम पास करना है तो हम मूवी देख रहे हैं। सही है, हम मूवी आपको दिखाते हैं, थोड़ा बहुत ट्रेलर दिखाते हैं हम कौन सी मूवी देखें, आप अंदाजा लगाएं, हमें कॉमेंट में बताएं कि मूवी हम कौन सी देख रहे थे, ठीक है। ओके भाई,
हम लोग पहुँच गए हैं मोरो, जो हमारा सेकेंड स्टॉप था। फर्स्ट स्टॉप था हमारा हैदराबाद में। हम यहाँ पहुँच गए हैं, यहाँ पे रेस्टोरेंट वगैरह भी हैं, रेस्टोरेंट नहीं मतलब ढाबा वगैरह है, जहाँ पे आप थोड़ा चीज़ चाय पराठा वगैरह खा सकते हैं। ऐसे हमारे पीछे देख रहे हैं, आप यहाँ पे चाय पराठा वगैरह कुछ ले सकते हैं और दूसरी चिप्स वगैरह आप कुछ ले सकते हैं। और वॉशरूम भी यहाँ पर अवेलेबल है, अगर आपको वॉशरूम जाना है तो आप जा सकते हैं। और यहाँ पर 15 मिनट का स्टे है, 15 मिनट का स्टॉप है। सो चलो मैं आपको आगे टूर कराता हूँ। बना रहे तुम क्या कर रहे हो? नहीं, मैं अपनी बना लूँ खाते बना लूँ, सब नहीं। हाँ भाई, हम लोग ने अभी यहाँ पे रोल लिया। ये रोल नहीं है, हाँ सामने है। हमने अभी भाई रोल लिया है और ये जो है हमें 100 रुपये का पड़ा है। और ये अंडा पराठा ही है जो कराची में हमें मिलता है 40 रुपये का, नहीं 60 रुपये का, सॉरी 60 रुपये मिलता है, 30 रुपये का पराठा, 30 रुपये का अंडा। और यहाँ पे हमें स्टॉप पे ये मिला है हमें 100 रुपीज़ का। भुट्टो जिंदा है, क्योंकि भुट्टो जिंदा है, सिंध आ गया है, सिंध आ गया है और भुट्टो जिंदा है। सिंध में हम पहुँचे हैं मोरो में और यहाँ पे हमने अंडा पराठा का रोल लिया है 100 रुपये का। और ये हम हाथ आधा करके खा रहे हैं, ठीक है। कराची में आपको 30 रुपये का मिलता है, 30 रुपये का पराठा, 30 रुपये का अंडा, और यहाँ पे 100 रुपये का। अब हम पंजाब की तरफ चलेंगे, पंजाब में भी जाएंगे, क्या कहाँ जाएंगे? अभी हम जाएंगे शक्कर जाएंगे, और शक्कर का हमें बताएंगे, जाएंगे शक्कर के क्या रेट्स हैं, क्या चीज़ें हैं, स्टॉप कैसा है वहाँ का, ठीक है। हम ये खाते हैं और आप लोग देखते रहिए। वापस हम लोग पहुँच गए हैं, कौन से टर्मिनल पे भाई? रहीम यार खान के टर्मिनल पे। और ये टर्मिनल मेरे को सबसे बेहतर लगा, ठीक है, बहुत अच्छा टर्मिनल था। सबसे अच्छा यहाँ पर हमने खाना खाया, नाश्ता किया। नाश्ते में जो बिज़नेस क्लास था उसका अलग नाश्ता था भाई, जो एग्जीक्यूटिव क्लास थी, जो गरीबों वाली क्लास थी हमारी, थोड़ी मिडिल क्लास वाली, उनका नाश्ता अलग था। नाश्ते में जो था वो था पराठा, घर का पराठा था, देसी आटे का जो होता है उसका, चक्की के आटे का पराठा, अंडा और छोले थे। चाय नहीं मिली हमें इस बात का दुख है भाई, ये चाय हमें मिलनी चाहिए थी, ठीक है। और ये टर्मिनल काफ़ी अच्छा था, आप देख सकते हैं, जैसे टर्मिनल देखें, काफ़ी बहुत बड़ा टर्मिनल है ये। और ये चीज़ है, अब मैं आपको बताता हूँ नाश्ता था क्या आगे, मैं अंदर चल के आपको बताऊँगा, ठीक है। तो हम चल रहे हैं, अंदर चलते हैं और नाश्ता देखते हैं नाश्ता क्या है। ये मेरा हर ब्लॉग, ये है हमारा कैंटीन, ये नाश्ता, टीवी है, हमने ये नाश्ता देख रहे हैं आप। चले हम चलते हैं की कैंटीन थी जहाँ पे हमने नाश्ता किया। नाश्ता बहुत अच्छा था, ठीक है, थैंक यू फेसिंग मूवर्स नाश्ता के लिए। तो चलो अभी आगे चलते हैं, हम बस में बैठते हैं और आगे का सफ़र स्टार्ट करते हैं। हमारे सुबह के अब थक गए, नींद में आए हुए तो भाई हमको फ्रेश व्रेश भी हो जाएंगे सुबह इंशाल्लाह, चले आ जाए। और ये हम जो टर्मिनल में पहुँचे हैं भाई, मैं वहाँ पर भूल जाता भाई कौन टर्मिनल है ये भाई, रहीम यार खान टर्मिनल, यार खान का टर्मिनल है। और यहाँ पे आके ना सर्दी का एहसास हो रहा है कि हम पंजाब में घुस गए और हमें सर्दी हो रही, हाथ हमारे कांप रहे हैं। और भाई यहाँ पे एक बात है, अगर आप यहाँ पे आए तो सोप जो है ना साथ लेके आएगा, यहीं पे कहीं भी वॉशरूम में सोप की नहीं है भाई, सोप नहीं हो, पानी भाई देख के लोटा भर के भर लीजिएगा, लोटा के लोटा मसला हो जाएगा आपके साथ, ठीक है। सोप अपने साथ ले लेगा, पेपर सोप ले लेगा, हमने नहीं रखा, हमारी गलती है, हमने बड़े मुश्किल से काम चलाया है, ओके आप लोग ये गलती याद करिएगा, ठीक है, ओके भाई बहुत बहुत शुक्रिया। धुआं निकल रहा है भाई, सर्दी आ गई है, सर्दी आ गई है, पहली बार ये एहसास कर रहे हैं हम लोग। ऐसी बना भाई, हाँ भाई, अभी हमारा सफ़र अभी ख़त्म नहीं हुआ है। हम आप पहुँचे हैं मुल्तान के स्टॉप पे, मुल्तान के स्टॉप पे पहुँचे हैं। यहाँ पे आप देख रहे हैं, हमारी ये फर्स्ट ऐसी सुबह है जो हमें रोशनी में बताइए, जितने भी हमारे स्टॉप्स थे वो नाइट में थे, क्योंकि हम रात में निकले थे। और अब सुबह के समय 9 बज रहे हैं और हम मुल्तान के स्टॉप पर है, जो कैसे स्टॉप है वहाँ पर हमें
हम थोड़ी देर यहाँ पे रेस्ट करेंगे, थोड़ा एंजॉय करेंगे यहाँ पे, और फिर निकलेंगे हम कहाँ पे, इस्लामाबाद की तरफ निकलेंगे। वहाँ से भी अब सिर्फ हमारा 4-5 घंटे का सफ़र रह गया है, उसके बाद हम इस्लामाबाद एंड करेंगे अब सफ़र। उसके बाद हम जाएंगे अपने होटल की तलाश में, बताएंगे आपको कि इस्लामाबाद का सस्ता होटल कैसे मिल जाए आपको, तो अब हमारे साथ रहिएगा, ठीक है। ओके भाई, लोग मुल्तान आए और मुल्तान के सोन हलवे का हम ना सुने तो ऐसे कैसे होता है। हम मुल्तान के स्टॉप पर आ गए और यहाँ पे एक शॉप है जो मुल्तानी सोन हलवे के नाम से यहाँ पे दी गई है। अब पता नहीं यहाँ पे भाई असली मिलती है नकली मिलती है, मगर हम देखते हैं ज़रा, इनसे पूछते हैं कि भाई असली है या नकली है। हाँ भाई, जो मुल्तानी सोन हलवा था वो असल में मुल्तानी का असली सोन हलवा नहीं था, जो बहुत मशहूर है। तो इसने हमें थोड़ा शक हुआ कि भाई कि ये असली है या नकली है, तो हमने इसको रहने दिया, अभी नहीं लिया हमने, अब आगे चलते हैं, ठीक है। मुल्तान के स्टॉप पर है, हम मुल्तान स्टॉप पे आकर नज़ार दिखाते हैं आपको। माशाल्लाह क्या खूबसूरती है, हर तरफ ग्रीनरी ग्रीनरी दरख्त। भाई लोग, हम लोग अभी आ गए हैं सियाल मोड़ के स्टॉप पे, जो इस्लामाबाद से पहला स्टॉप है, लास्ट स्टॉप हमारा इस्लामाबाद होगा। और यहाँ पे भाई पहलवान रेवड़ी थी जो हमने बाई कर ली है, देखते हैं घर जाके घर वालों के लेके जाएंगे, देखेंगे कैसे क्या टेस्ट था, ठीक है। और आप चीज़ें आपको दिखाते हैं तो क्या है, आप जैसे देख रहे हैं माशाल्लाह। ये जो स्टॉप था वो सबसे अच्छा स्टॉप मुझे लगा है, सबसे डेवलप था। यहाँ पे मार्ट है, जूस वाले हैं, सिल्वर स्पून है, और बहुत सारी चीज़ें हैं, फैट चिकन, फ्राइड चिकन, सॉरी गवर्नमेंट बेकरी, यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें हैं जो हम लोग ले सकते हैं। और यहाँ पे बहुत ज़बरदस्त है, और सबसे बड़ा ये स्टॉप है और सबसे अच्छा मुझे लगा है। अभी बहुत सारी शॉप्स हैं, तो चलिए मैं आपको दिखाता हूँ कि और कौन कौन सी यहाँ पे शॉप्स हैं, क्या है इसमें टॉयस, क्या क्या चीज़ें हैं यहाँ पे, जरा मैं आपको दिखाता हूँ आगे चल के। ये मैंने लिए पहलवान रेवड़ी, ये मैंने पहलवान रेवड़ी लिए, अब इसको घर जाके ट्राई करेंगे कि भाई ये कैसी थी, बहुत नाम सुना था इसका। चलें आगे चलते हैं भाई लोग, यहाँ सुना है यहाँ का जो वॉशरूम है वो सबसे अच्छा है, तो हम वॉशरूम को भी एक्सप्लोर कर लेते हैं। चलें भाई, यहाँ पर शॉप्स वगैरह माशा से बहुत ज़बरदस्त शॉप्स हैं, वॉशरूम्स की चीज़ें हैं, और ये हमें फैशन मूवर्स के लास्ट स्टॉप पे आए, जो इसके जो नेक्स्ट स्टॉप है वो इस्लामाबाद डायरेक्ट है। ये आप देख सकते हैं बहुत ही खूबसूरत जो है ना इसका ये स्टॉप है, और ये आप यहाँ आएंगे तो आप बोलेंगे ये बेस्ट है। और सबसे बड़ी बात, यहाँ की वॉशरूम यहाँ के ग्रेट है भाई, और यहाँ पे कबोर्ड भी है, फ्लैश भी है, आज का जो होता है क्या बोलते हैं उसको भाई, ठंड साफ करने वाला वो भी है। और यहाँ पे आपको रोज़ मिलेंगे, आपको जैसे आप यहाँ देख सकते हैं यहाँ पे आपको जूसेस वगैरह मिल जाएंगे, जूसेस है यहाँ पे, पहलवान रेवड़ी है, मैंने भी लिए भाई पहलवान रेवड़ी, अपने फैमिली के साथ ले सकते हैं। बाकी आप यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें, सिल्वर स्पून मैंने तो देखा था कराची में जो तारिक रोड में सिल्वर स्पून होता है, लेकिन अब यहाँ भी सिल्वर स्पून देख लिया, सिल्वर स्पून पहुँच गया भाई, पाकिस्तान में पहुँच गया। उससे बहुत सारे यहाँ पे उससे रेस्टोरेंट्स हैं, यहाँ पे हैंडीक्राफ्ट की चीज़ें हैं, और यहाँ पे ATM है भाई, ATM यहाँ पैसे भी निकाल सकते हैं भाई यहाँ पे। तो ये सबसे बेस्ट स्टॉप था यहाँ पे आने का, अगर आप किसी फैमिली को लेना चाह रहे होते हो तो ये चीज़ बेस्ट जगह है। तो अब हमारा लास्ट स्टॉप होगा हमारा इस्लामाबाद होगा हमारा, तो चलें इस्लामाबाद की तरफ चलते हैं। हम लोग फैज़ाबाद, हम लोग इस्लामाबाद पहुंच गए, और इसका स्टॉप था फैज़ाबाद स्टॉप तक। और अभी उम्मीद है आपको हमारा वीडियो पसंद आएगा,
नया, हम आपके लिए नया भी बहुत जल्दी आपके लिए लाएंगे। हमारे पेज को जरूर लाइक करें, सब्सक्राइब करें। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। हाँ अच्छा हो गया।